मकदार से चपली क्वांटिटी में देते हैं, मतलब 100 ग्राम के करीब होता है। 100 ग्राम के करीब होता है। ये क्या है? चाट मसाला। ये देखिए जबरदस्त हरी चटनी। कितने किस्म के रोल होते हैं? 5 किस्म के रोल होते हैं। कितनी सारी तादाद में पराठे रेडी हो रहे हैं? पराठे रेडी करते हो भाई रोना ना। 1500-1800। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमना फैसल। आज मैं मौजूद हूँ गार्डन के इलाके और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं बारबेक्यू बन रहा है, मज़ेदार सा और मज़ेदार खुशबू आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये जो रेस्टोरेंट है कोई 30-35 साल पुराना रेस्टोरेंट है। ज़बरदस्त बारबेक्यू, यहाँ पर क्राउड इतना होता है तो मैंने कहा मैं भी इसका जायका टेस्ट करूँ कि ये टेस्ट में कैसा है जो कि इतना क्राउड होता है। तो आज हम यहाँ पर इनका बारबेक्यू टेस्ट करने आए हैं। बारबेक्यू के अलावा आपको यहाँ पर मिलेंगे रोल मिलेंगे, चपली कबाब मिलेंगे और इनके बारबेक्यू में कोई आइटम है 10 से 12 आइटम हैं और साथ ही इनकी मज़ेदार सी चटनियाँ होती हैं जो कि इसको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो चले चलते हैं, आपको बारबेक्यू की मेकिंग दिखाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक जायका देखने के लिए। तो भाई बात करते हैं शॉर्ट वीडियो करते स्टार्ट, सो कम विद मी। मैं आ गई हूँ इनके बारबेक्यू के पोर्शन में और आप देख सकते हैं मज़ेदार से बारबेक्यू यहाँ पे रेडी हो रहा है। काफ़ी सारे आइटम हैं, आप बताइए ये क्या चीज़ है? बिहारी बोटी। और ये क्या है? चिकन रेशमी कबाब है। चिकन रेशमी कबाब है भाई, ये देखिए। और ये क्या है? चिकन मलाई बोटी। चिकन मलाई बोटी। और ये बीफ सीख कबाब। बीफ सीख कबाब। और ये चिकन मलाई टिक्का है। चिकन मलाई टिक्का है। और वो आगे चिकन बिहारी टिक्का। चिकन बिहारी टिक्का। और वो चेस्ट पीस और लेग पीस। चेस्ट पीस और लेग पीस है, नॉर्मल टिक्का। ये देखिए, और कितने आइटम है ये? 9 से 10 आइटम। चपली कबाब भी है। अच्छा, रोल भी मिलेगा। मज़ेदार से चपली कबाब। और चपली कबाब का आप साइज हैं कितना बड़ा बड़ा है? कौन सा है ये? बीफ में, चिकन में? बीफ में है। और क्या इसमें कितने क्वांटिटी में देते हैं, मतलब? 100 ग्राम के करीब होता है। 100 ग्राम के करीब होता है। देखिए मज़ेदार से चपली कबाब बन रहे हैं और वो रहा है इसका कीमा, फ्रेश फ्रेश साथ के साथ बनता जा रहा है ये। और साथ ही देखें आप तली हुई मिर्चें भी देते हैं। अच्छा, ये तली हुई मिर्चें क्यों है? साथ ही देते हैं? साथ जाते हैं, पसंद करते हैं जो भाई। ज़बरदस्त। ये देखिए भाई, यहाँ दिखाइए, ये क्या है? चाट मसाला। ये देखिए ज़बरदस्त। अब चलते हैं इनके पराठों की मेकिंग की तरफ। इतनी ज़्यादा तादाद में पराठे, चलिए आइए आपको भी दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे पराठे रेडी हो रहे हैं, कितनी सारी तादाद में पराठे रेडी हो रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ पे ज़बरदस्त पेड़े बन रहे हैं, ये देखिए। कितने पराठे रेडी करते हो भाई रोजाना? 1500-1800। ओ हो। बारबेक्यू तो आपने देख लिया, अब चलते हैं इनके रोल मेकिंग की तरफ। स्मूथ कौन कौन से रोल रेडी कर रहे हैं आप? ये कौन सी चटनी है? हरी चटनी। हरी चटनी भाई, यहाँ पे मलाई रोल रेडी हो रहे हैं। ये कितने किस्म के रोल होते हैं? 5 किस्म के रोल होते हैं। एक तो ये मलाई हो गई, और ये वाला कौन सा है? ये चिकन बोटी। चिकन बोटी है। ये देखिए ज़बरदस्त बारबेक्यू यहाँ पर आ गया है। ये देखिए भाई, ज़बरदस्त आइटम यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, बेतहाशा। तो चलें अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर इसका फूड रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। हे फूडीज़, हो जाओ रेडी, अब टाइम आ गया है रिव्यू का, फूड रिव्यू का। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त आइटम है। ये है सीख कबाब, ये है चिकन टिक्का बिहारी टिक्का, और ये है चपली कबाब, ये है रेशमी कबाब, ये है बिहारी बोटी। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये इतनी टेस्टी होती है कि सबसे पहले यही ख़त्म होती है जब हमें कम क्वांटिटी में मिली, क्योंकि ये फिनिश हो गई थी। और ये है चिकन बोटी, ये है मलाई बोटी, और ये है इनके साथ रायता और चटनी। यहाँ पे मौजूद है पूरी पराठा, पराठा भी मौजूद है, साथ चपाती सैलेड भी मौजूद है।
जबरदस्त आपको यहाँ पे आइटम मिल रहे हैं। रायते मिलाकर यहाँ पे हैं 12 आइटम, रोटी और रायता मिला के। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहारी तिक्के से। ये हमने लिया पराठा भाई, पराठे से ट्राई करते हैं। पूरी पराठा तो हम हर वक्त खाते रहते हैं और ये बहुत ही जूसी लग रहा है भाई, ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम वन बाइट में ये हाथ में आ रही है बोटी, ये देखिए। तो यहाँ हम लगाते हैं इसकी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या चीज़ है भैया, और बाइट ट्राई करता है, बहुत ही चटपटा लाजवाब। टू गुड, जबरदस्त मसाले लगे हुए ना इसमें। और आप ट्राई करते हैं इनका रेशमी कबाब, ये देखिए फौरन टूट गया ये, बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। ये भी जबरदस्त है भाई, क्या चीज़ है, ये बॉम्ब है भाई, बॉम्ब। मेल्ट हो गया मुंह में जाते ही। और अब ये हम खाएंगे बिहारी बोटी, ये हम खाएंगे पूरी पराठे से। अभी तक मैंने 3 आइटम ट्राई करे और तीनों एक से बढ़ के एक है भाई। अगर अभी तक आपने यहाँ का बारबेक्यू ट्राई नहीं किया है तो भाई जल्दी आइए, इनका बारबेक्यू ट्राई कीजिए, हमारी तरह आप भी नए नए जायकों से लुत्फ अंदोज होइए। अभी चिकन बोटी ट्राई कर रही हूँ चटनी के साथ। इसकी चटनी है ना बहुत ही लाजवाब है, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस बारबेक्यू के साथ। VIP, नो डाउट, कोई जवाब नहीं है भाई बारबेक्यू का। और अब खाते हैं हम मलाई बोटी, ये देखिए मलाई बोटी भी मलाई हो रही है। ये आ गया रायता। इतने सारे आइटम है, आइटम ख़त्म नहीं हो रहे। अब खाते हैं हम इनका चपली कबाब। पहले हम नींबू डालते थोड़ा सा, ये देखिए भाई स्पेशल चपली कबाब है इनका और टेस्ट तो लाजवाब है। मैंने अभी तक ऐसा चपली कबाब नहीं खाया। फिर चाट मसाला डाला मैंने, वो भी ज़बरदस्त है। ये देखिए भाई तली हुई मिर्चों के साथ आपको दे रहे हैं। और अब ये आ जाते हैं लास्ट बारी सीख कबाब की, तो इसको भी ट्राई करते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। इनका रेशमी कबाब तो बहुत ही ज़बरदस्त था। सुपर से ऊपर। तो भाई सारे आइटम ट्राई हो गए, सब एक से बढ़ के एक है। आप लोग भी आइए जरूर चीपा बारबेक्यू पर विजिट कीजिए, गार्डन वेस्ट नियर जलानी मस्जिद। तो भाई अब मैं ये सब फिनिश करने लगी हूँ, बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई इसी क्लिप के साथ मैं वीडियो करती हूँ एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। ऐसी मज़ेदार सी चटपटी सी मसाले वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के अल्लाह हाफिज़।